हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। अगर बढ़िया नहीं तो इस वीडियो को देख के बढ़िया होने वाले हो। उससे पहले गाइस आपको बता दूं, मेरा नाम है अनुज, आप देख रहे हो अनुज के फैक्ट चैनल। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर जियो फोन नेक्स्ट यहाँ पर यहाँ पर कुछ लीक्स करके आ गए, जो कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। गाइस यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस कितनी होने वाली है और इसका कैमरा कौन सा होने वाला और यहाँ पर कौन सा आपको यहाँ पर गूगल सिक्योरिटी पैच मिलने वाला। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दूं, ये फोन लॉन्च होने वाला नेक्स्ट मंथ में। गाइस यहाँ पर आपको बता दूं, एक मंथ तो भी नहीं है अब यहाँ पर फोन को आने में। तो गाइस यहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट मंथ सितंबर में आपको यहाँ पर 10 तारीख को ही आपको ये फोन उपलब्ध करा दिया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर जियो और यहाँ पर गूगल मिलकर इस फोन को यहाँ पर बना रहे हैं, तो गाइस यहाँ पर तहलका होने वाला है। शाओमी और रियलमी और ओप्पो जैसे ब्रांड को गाइस यहाँ पर पीछे छोड़ने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर तहलका होने वाला है, क्योंकि बहुत ही किफ़ायती दरों में यहाँ पर गूगल ने घोषणा की है, गूगल और जियो ने घोषणा की है कि बहुत ही किफ़ायती दरों में ये फ़ोन उपलब्ध कराया जाएगा। हो सकता है गाइस यहाँ पर ये 4,000 से नीचे के अंदर यहाँ पर फ़ोन मिल सकता है आपको भी, क्योंकि गाइस यहाँ पर फ़ोन बहुत ही किफ़ायती दरों में गूगल और जियो ने कि बहुत ही किफ़ायती दरों में यहाँ पर फ़ोन उपलब्ध कराया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लूँ, तो गाइस इसमें जो कैमरा होने वाला है, सिंगल कैमरा होने वाला, प्राइमरी सेंसर जो कि पीछे कैमरा होने वाला, सिंगल कैमरा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का होने वाला और एक आपको एलईडी फ्लैश देखने के लिए मिलेगी। और गाइस यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरे की बात बता दूं, तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होने वाला, जो कि यहाँ पर आप सेल्फी के लिए यूज कर पाओगे। और गाइस यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका जो मोबाइल होने वाला है, बिल्कुल फ़ोन कैसा होने वाला पता, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर बैटरी को भी निकाल पाओगे और यहाँ पर बैटरी को डाल भी सकते हो, कवर वगैरह खोल पाओगे पीछे से, जो कि यहाँ पर ऐसा यहाँ पर आप फोन का इंटरफेस देख सकते हो, जो कि यहाँ पर देख सकते हो फोन का इंटरफेस कुछ ऐसा है, जो कि यहाँ पर आप कवर को भी खोल पाओगे बैक साइड से। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर जो कि यहाँ पर स्टोरेज, इसकी स्टोरेज होने वाली है वो यहाँ पर 4 GB रैम और यहाँ पर 32 GB एक्सटर्नल मेमोरी हो सकती है। और गाइस यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है, गूगल ने यहाँ पर ऐसी घोषणा की है कि वो यहाँ पर आपको लेटेस्ट गूगल यहाँ पर सिक्योरिटी पैच उपलब्ध कराएगा और ये एंड्रॉयड 11 गो के यहाँ पर साथ आने वाला है। जी गाइस यहाँ पर एंड्रॉयड 11 के साथ आने वाला है, जो कि यहाँ पर लेटेस्ट चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे स्पेसिफिकेशन निकल के आ चुके हैं, बट इसकी अभी तक कोई अभी इसकी प्राइस कन्फर्म नहीं हुई। जैसे प्राइस यहाँ पर आएगी आपको भी यहाँ पर मैं कन्फर्म करा दूंगा कि प्राइस कितनी होने वाली है, बट यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4,000 के अंदर ही ये फोन उपलब्ध कराया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये होने वाली है, जियो और गूगल मिलकर यहाँ पर दोनों यहाँ पर शाओमी जैसी कंपनी को भी पछाड़ने वाले हैं लगता है मुझे, क्योंकि गाइस यहाँ पर इसीलिए मैं सोच रहा हूँ गाइस इस फोन की यहाँ पर अपने चैनल पर अनबॉक्सिंग करूँ। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आप भी यहाँ पर इस फोन की अनबॉक्सिंग का वेट कर रहे हो, कि आप भी इस फोन में इंटरेस्टेड हो, तो जरूर बताना कमेंट करके, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस फोन की अनबॉक्सिंग तो बनती है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि कीपैड का जियो ने लॉन्च किया था फोन, तो गाइस आज हर बंदे के पास अगर आप कीपैड का फोन देखोगे तो हर बंदा कीपैड का फोन चला रहा है, जियो का ही फोन चला रहा है। ऐसे गाइस किफायती दरों में यहाँ पर जियो का स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि हर बंदे के पास जियो ही जियो दिखेगा। तो गाइस इस फोन की अनबॉक्सिंग तो करना बनता है, तो गाइस आप जरूर बताना कि आप भी इस फोन में इंटरेस्टेड हो, कि अनबॉक्सिंग करनी चाहिए। यहाँ पर आपको बता दूं, इसकी जो कनेक्टिविटी होने वाली है 4G कनेक्टिविटी होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आप समझ सकते हो यहाँ पर जियो ने 4G कीपैड लॉन्च किया था, अब यहाँ पर कनेक्टिविटी 4G होने वाली है, 4G स्मार्टफोन होने वाला है। तो गाइस इस फोन का नाम मुझे होने वाला है जियो फोन नेक्स्ट होने वाला है, पर हो सकता है 10 सितंबर को यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाए। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर अब एक मंथ भी नहीं है 10 सितंबर को यहाँ पर लॉन्च होने में, कभी भी यहाँ पर 10 सितंबर को लॉन्च हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही लॉन्च होगा आपको यहाँ पर अपने चैनल पर अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। हाँ, आपको भी इसकी अनबॉक्सिंग चाहिए, क्या आप भी इस फोन को लेना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके जाना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हाँ जियो फोन नेक्स्ट के लीक्स जो निकल के आ चुके हैं, आपको मैंने बता दिया कैमरा कितना होने वाला और प्राइस कितने अंदर होने वाली है। और गाइस यहाँ पर आपको बता दूँ, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एंड्रॉइड 11 के साथ बेस्ट होने वाला है, और गूगल ने यहाँ पर ये भी घोषणा की है आपको यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी उपलब्ध कराता रहेगा गूगल। तो गाइस जो फोन होने वाला है और गूगल के यहाँ पर सारे फीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे, गूगल प्ले स्टोर और गूगल असिस्टेंट वगैरह जैसे फीचर आपको सारे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो गाइस आपको पता है जियो और गाइस यहाँ पर आप गूगल की पार्टनरशिप से ये फोन निकल रहा है दोनों कंपनी की तरफ से, तो गाइस यहाँ पर आप समझ सकते पूरे में तहलका होने वाला है। तो गाइस इस फोन की अनबॉक्सिंग तो बनती है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और गाइस चैनल को जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूं। तो थैंक यू सो मच गाइस आज की वीडियो में बस इतना।